थे। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पांच राज्यों की वोटिंग, कांग्रेस को मिली संजीवनी, बीजेपी आउट। खुशखबरी, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार। उत्तराखंड पुलिस में जल्द होगी बंपर भर्तियां। सीएम ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से की मुलाकात, कहा मनरेगा में शामिल हो पिरुल एकत्रीकरण। अब खबरें विस्तार से। देहरादून आज पांच राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। पांचों राज्यों में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। इस चुनाव की वजह से उत्तराखंड के नेताओं और जनता की धड़कनें भी तेज हो गई है। देहरादून, अगर आपको भी है रोजगार की तलाश तो ये खबर जरूर राहत देगी। उत्तराखंड पुलिस विभाग में कांस्टेबलों की लगभग 700 से ज्यादा और सब इंस्पेक्टर की भर्तियां होने जा रही है। इसके अलावा पहले से तय रिक्त पदों को मिला दिया जाए तो संभवतः कुल 1456 पदों को भरा जाएगा। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक 2019 के शुरुआती महीनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और प्रमोशन भी किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की नियमावली है वो शासन से अप्रूव हो गई थी, लेकिन उसमें कुछ बहुत ही छोटे छोटे माइनर चेंजेज के लिए हम लोगों ने बना के पुनः शासन को भेज दिया है। और सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर वाली की संभावना है कि बहुत जल्दी ही वो अप्रूव होकर आ जाएगी। और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की है वो भी शासन में उसकी समीक्षा हो रही है और जल्दी ही वो भी वहाँ से आने के बाद में जो भी प्रक्रिया है प्रमोशंस की वो हम लोग शुरू कर देंगे, क्योंकि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की प्रमोशंस की प्रक्रिया है शुरू हो जाएंगी। हालांकि हमने उसके लिए कार्रवाई है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठा करना है और जो अपनी कार्रवाई है वो हमने शुरू कर दी है। हाँ, भर्तियों के लिए भी जो वैकेंसी, क्योंकि जो प्रमोशंस के बाद में जो वैकेंसीज होंगी क्रिएट होंगी और जो अभी प्रेजेंट में हमारे जो वैकेंसीज हैं उनको मिला करके और फिर भर्तियों की कार्रवाई शुरू की जाएगी। देहरादून, दिल्ली मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को दिल्ली पहुंच केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य में संचालित ग्रामीण विकास की केंद्र पोषित योजनाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।